हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एम पर। और फाइनली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर लिया है ना। दो प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। 17 वीडियो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक में है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में। अगर जी हाँ, उसमें लगभग 10 वीडियोज हो चुके हैं, है ना। और आज से हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक आज एक कल दो चार पांच वीडियो तक जाएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम लोग सर्किट वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि करंट वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे ना। इसके जो बहुत सारे डीप एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कनेक्शन है सब चीज़ों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और फिर उसका कैपेसिटर। कैपेसिटर चीज़ क्या है इस पर हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चीज़ पर ज़्यादा स्टडी करते हैं, हम लोगों ने पहले से क्या क्या सीखा हुआ है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ सीखे थे, कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में हम लोग है ना रटा गया होगा नहीं जी। कंडक्टर के अंदर में सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, है ना, सीखे हैं। और पोटेंशियल हर जगह हमारा कॉन्स्टेंट मिलता है। जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर वाला अंदर से निकल जाता है, बहुत गुस्सा आता है, चल जाते हैं यार, हो गया हो गया हो गया। तो गर्मी ऊपर से है, ये बाल देखो कब मेरा बाल कटेगा, है ना। चलो देखो यहां ध्यान से, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल, यहां पर ना हर जगह सेम होता, हमने ये बोला हुआ था। हम एक चीज और सीखे थे, अगर कंडक्टर हमारा कोई आर्बिट्ररी शेप का है ना, जस्ट लाइक दैट, है ना, इस तरह का, ठीक है, इस तरह के शेप का है, तो हम ये भी जानते थे कि इस पे यहाँ पर जहां पर कॉर्नर ज्यादा है वहां पर चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, चार्ज वहां पर कंसंट्रेट ज्यादा होगा, वहां पर चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, यानी यहाँ पर चार्जेस ज्यादा आएंगे, है ना। यहाँ पर चार्ज थोड़ा कम होगा और यहाँ पर चार्ज कम होगा, ठीक है। सपोज करते हैं हमने इसके ऊपर चार्ज, अगर ये स्फेयर है तो चार्ज इस पर अगर हम रखें क्यू चार्ज, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। धीरे धीरे आज डिस्कस कर रहे हैं, समझना है, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज के ऊपर बात करेंगे। कैपेसिटर के ऊपर धीरे धीरे पहुंचेंगे, है ना, तुरंत नहीं पहुंचने वाले। आखिर कैपेसिटर है क्या, एक अपना मिस्ट्री है, आधे वीडियो के बाद समझ में आएगा मिस्ट्री का है। सिंपल से डिवाइस बोल दीजिए, नहीं बोल दीजिए, चलो ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है इसके ऊपर, है ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर चार्ज, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। समझना है बात को, कुछ लिखने उपने का चीज नहीं है, लेकिन आप समझोगे तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगा पाओगे, है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह थिंक कर पाओगे थोड़ा चीजों के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात हम समझते हैं। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो है। अब हम तुमसे एक चीज पूछते हैं, ये अगर कंडक्टर इस तरह से है यहां पर रखा हुआ, तो ये कंडक्टर अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन इसके सराउंडिंग में भी तो कुछ चीज है बाहर, ना। अंदर तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चीज, लेकिन बाहर क्या है, हो सकता है बाहर ये पूरा का पूरा कंडक्टर पानी में रखा हो सकता है ये हवा में रखा हो, और हो सकता है ये वैक्यूम में रखा हो, ना, ये तीन चार जगह रखा जा सकता है, किस मीडियम में रखा गया है, ये सवाल हो सकता है ना। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये वैक्यूम में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर कि कुछ भी नहीं हो, है ना, जहां पर हवा भी नहीं हो, इसे बोलते हैं वैक्यूम जी, जहां पर कुछ भी नहीं हो, खाली जगह, हवा भी नहीं, है ना। अगर हम कहते हैं ग्लास है, उस ग्लास ग्लास भरा होता है, उसमें हवा होता है ना, खाली नहीं होता, खाली ग्लास है, नहीं, हवा है उसमें, लेकिन यहां पर जब बोल रहे हैं वैक्यूम है तो यहां पर हवा भी नहीं है, और जब हवा भी नहीं है तो कंडक्टर इसी तरह से रह जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं वैक्यूम के मामले में टेंशन नहीं आ गया, है ना, वो तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्यूम पर कोई इससे इफेक्ट नहीं आने वाला, इसका स्टडी खत्म। अब बात करते हैं एयर का, अब हवा, हवा क्या है,
हवा हूँ बसंती हवा हूँ, है ना। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, है ना। यही हवा है। हवा क्या है? हवा एक मिक्सचर है ना। हल्दीराम का मिक्सचर क्या है? मिक्सचर। हल्दीराम का मिक्सर नहीं है ये, क्या चीज का मिक्सर है? ये मिक्सर है भाई 78% नाइट्रोजन का, 28.1% ऑक्सीजन का, 0.3% CO2 का, है ना, और अदर में 0.7% अदर गैसेस हैं। ये हम लोग जानते हैं, है ना। अच्छा कितना लोग जानते होंगे पेड़ के नीचे में सोने से मौत हो जाता आदमी का? पढ़े होना चाहिए, सुने होगे ये बात। क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, इसीलिए ना। तुम पता है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़, चलो हम 2 मिनट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा भ्रांति खत्म हो जाए। क्या बात है भ्रांति। तो रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं पेड़, उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है रेस्पिरेशन में, बट उसको जब वो फोटोसिंथेसिस करता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है क्योंकि सनलाइट है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ वो रिलीज कर सकता है, और वो इतना नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है कि वो हमको मार दे अगर हम उसके नीचे में सो जाए। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है? मात्र 0.3% है। तो हम यही कह सकते हैं अधिक से अधिक पेड़ के पास थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगा, इतना भी नहीं बढ़ जाएगा वो हमको मार दे, क्योंकि हम जब नाक से सांस छोड़ते भी हैं तो हमारे सराउंडिंग में, जब नाक से सांस छोड़ रहे तब हमारे सराउंडिंग के आसपास में 60-70% ही ऑक्सीजन रह पाता है, 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या हम मर जाते हैं? नहीं मरते, क्योंकि 17% ऑक्सीजन तो है ना। हम जब लेते हैं तो हमारे जो हमारा जो लंग्स है वो लंग्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही, अब लंग्स आगे जो ब्लड को भेजता है वो सिर्फ ऑक्सीजन भेजता है। क्या बात है, बायोलॉजी पढ़ा है, ठीक है। बस हम एक छोटा सा मिसकंसेप्शन को रिलीज करना चाहते हैं कि पेड़ के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से इंसान की मौत नहीं होती है। तो मौत किस चीज से होती है? सिंपल, उस पेड़ के ऊपर में रहता है स्नैक, स्कॉर्पियन, अजीब अजीब से जानवर। तुम सोए हो नीचे में, उसको तुम्हारे ऊपर प्यार आ गया, उतरा किस कर दिया तुमको, आह जिंदगी झिंगा लाला गए। लेकिन समझ में आया, इसके पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कोई दिक्कत? चलो, तो ये है हमारा हवा। तो हवा में है ये सारा चीज, और ये बहुत सारे चीजों में हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हम इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं, और भी चीजें हैं, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायटोमिक हैं, या फिर कुछ है ना इस तरह के डायटोमिक है ना, या फिर कुछ ऐसे सिस्टम में है कि इस मॉलिक्यूल का कहानी, बात समझना मेरी बात को, ये हम इसको रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं। हम अभी कंडक्टर के बाहर अभी पहुंच गए, अभी कंडक्टर के अंदर में बात नहीं कर रहे, कंडक्टर के बाहर हवा में। हवा का मामला क्या होगा? तो हमको पता है कि कोई मॉलिक्यूल अगर बना है, कोई भी मॉलिक्यूल बना है, उस मॉलिक्यूल में नेट चार्ज अभी भी जीरो है, मॉलिक्यूल में नेट चार्ज जीरो है। यानी कि हवा है, हवा का जो मॉलिक्यूल है उसका नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज मतलब इसके पास प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। लेकिन यहां पर जैसे ही कंडक्टर को हम एक्सपोज करते हैं हवा में, ये क्या करता है कि प्लस वाला हिस्सा इस हवा के मॉलिक्यूल को, ध्यान से देखना बस मेरी बात को, हवा में जो निगेटिव वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होने लगेगा। अब तुम एनालाइज करके बताओ कि कहां पर इस तरह का अरेंजमेंट ज्यादा होगा, यहां पर होगा कि यहां पर होगा या यहां पर होगा? यहां पर ही बनेगा ना, इस तरह से करके हवा का मॉलिक्यूल बनने चलेगा। प्लस वाला माइनस वाले, देखो फिर समझो, हवा में है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का नेट चार्ज है जीरो, लेकिन नेट चार्ज होने का मतलब जीरो होने वाला क्या, उसके पास चार्ज नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है ही, यानी कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक तरफ इंड्यूस हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में इधर इधर है ना, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा और निगेटिव साइड इधर की तरफ खिंचाने लगेगा, क्योंकि ये प्लस है, बोलेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे ठाकुर, ये माइनस आया है ना, कुछ इस तरह से बनने लगेगा पिक्चर। सिमिलरली यहां पर भी हम समझ सकते हैं, जहां पर चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर इस तरह का पिक्चर हमको ज्यादा ऑफनली देखने मिलेगा, है ना। ये बात समझ आ गया, बात क्लियर हुआ?
जहां पर हमको शार्प एज दिखेंगे वहां पर ये चीजें ज्यादा अगर होगा, है ना। यानी कि एक बात तो तय है कि अगर हम कह दें कि हमारे पास एक स्फेयर है, इस तरह से करके स्फेयर है, इस स्फेयर पर चार, इस स्फेयर को अगर हम हवा में छोड़ दें तो इसमें यूनिफॉर्मली चारों तरफ हवा का इस तरह से करके अरेंजमेंट तैयार होगा। लेकिन अगर नॉन, मतलब कुछ इस तरह का है ना, नॉन आइडेंटिकल शेप का या फिर कुछ ऐसे मतलब रैंडम शेप का एक बॉडी को कंडक्टर को रिलीज कर दें, उसमें रैंडम बिहेवियर होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का इस तरह से अरेंज हो जाना, ठीक है। अब क्या दिक्कत है कि सपोज करो हमने चार्ज को थोड़ा और बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ाएंगे कैसे उसमें बात करेंगे, कि मान लेते चार्ज बढ़ा दिए तो और हवा यहां पर खींचा जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर बहुत कंसंट्रेट हो चुका है, क्योंकि है ना ये बात सर, ये पॉजिटिव यहां इतना कंसंट्रेट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन को सीधे खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पर खींच लेगा, सही बात है ना। और ये प्लस चार्ज सिर्फ बचेगा यहां पर, फील करना सिर्फ बात को, मेरी बात को, तो प्लस चार्ज यहां बचेगा, प्लस वाले को बोलेगा भाई तुम निकलो यहां से, हमको तुमसे दोस्ती नहीं है, तब प्लस चार्ज भागेगा ऊपर ऐसे, ठीक है। और जब ये प्लस चार्ज भागेगा ऊपर तो लाइटनिंग यहां पर जेनरेट होगा, और यहां पर देखो यहां पर क्या होगा, चार्ज यहां पर अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहां से क्या जनरेट होगा, लाइटनिंग बाहर भागेगा ऐसे करके, है ना, जो बादल में से लाइटनिंग निकलता है, तो वैसे बादल में से लाइटनिंग यही होता है, यही बात होता है। एक तरफ बादल में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, हवा का जो मॉलिक्यूल होता है, चलो हम वो दिखा दें, प्लेसो कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी करो, तो देखो यही है हमारा क्लाउड, है ना, क्लाउड है ना, ऐसे इज इट ओके, ये हो गया हमारा क्लाउड। और क्लाउड के ऊपर किसी तरह से चार्ज आया, किस तरह से चार्ज आया, तो क्योंकि देखो नीचे से चला वाटर का वेपर, है ना, वाटर का वेपर चला, इस पे ये मूवमेंट किया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाटर का वेपर ऊपर गया और ऊपर में बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, इसमें इसे छोड़ दो, हम इस पे क्लाउड उलट को हमको मतलब है नहीं, ये कंटेंट पढ़ लेना, ठीक है ना, थोड़ा कहीं से, ठीक है, हमको सीधा मतलब है कैपेसिटर के चार्जिंग एक लाइटनिंग के ऊपर, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि चार्ज यहां पर आ चुका है बहुत ज्यादा, हम ये कह रहे हैं कि हमारा क्लाउड चार्ज्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, क्लाउड हमारा चार्ज हो चुका है, ये प्लस चार्ज अब क्या करेगा, हवा के मॉलिक्यूल्स को अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहां पर माइनस चार्ज इसके तरफ आ जाएगा और प्लस चार्ज यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो कि ये माइनस चार्ज, ये इतना ज्यादा शार्प एज पे बहुत सारा चार्ज आ जाएगा एक जगह पे, जिसके कारण सारा का सारा जो निगेटिव चार्ज है वो सीधे खींचा जाएगा, और इस चक्कर में सारा पॉजिटिव चार्ज, तो एक साथ क्लाउड से हमको क्या दिखता है, यहां से लाइटनिंग होते हुए दिखता है ना, लाइटनिंग होते हुए कहां जाता है सारा पॉजिटिव चार्ज, धरती पर, है ना, जमीन पे, जमीन में सबसे ऊंचा पेड़, क्योंकि उसको चाहिए, ये देखो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, ये चाहेगा कि जीरो पोटेंशियल होने के लिए, जीरो कहां मिलेगा, अर्थ पे, हम पहले बता चुके हैं, ये रहा ताड़ का पेड़, पाम ट्री, वहां पे गिरा, पाम ट्री का हालत खराब, दैट्स इट, होल थ्योरी कंप्लीटेड। एक और चीज सुने होंगे कि कार के अंदर में रहने से वो बच जाते हैं लोग, उसको बेसिकली बोलते हैं फैराडे केज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फैराडे केज, हम छोटा छोटा टर्म्स को यूज कर रहे हैं बस, खाली सुनते जाओ मजे आएंगे, ठीक है। तो फैराडे केज एक केज है जिसमें, जिसका मतलब ये है कि मान लो कि मेटालिक केज है, तुम इस मेटालिक केज के अंदर में हो, ठीक है, एक पर्सन है मेटालिक केज के अंदर में, तो अगर हम बाहर से लाइटनिंग करवा रहे हैं तो ये लाइटनिंग सारा का सारा इस केज के सरफेस पर आ जाएगा, और कोई भी चार्ज हमारा अर्थ में नहीं, सॉरी अंदर नहीं पहुंचेगा, और सारा का सारा चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो फिर जमीन में चला जाएगा, इस केज को बोलते हैं फैराडे केज, ठीक है। थोड़ा ज्यादा जानना है तो आई थिंक प्रेस्टीज मूवी वगैरह देखना थोड़ा, ठीक है, प्रेस्टीज मूवी, द प्रेस्टीज, आई थिंक हाँ अच्छी मूवी थी, 2014 वगैरह के आसपास में आई थी, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन की है, देखो अच्छी मूवी है, देख लेना, ठीक है, फैराडे केज वगैरह के बारे में, या फिर लाइटनिंग वगैरह में दिखता होगा, लाइटनिंग पड़ा और आदमी एकदम जिंदा है, तो वो एक केज में पैक रहता है, जिस केज के में रहता है उसका नाम है फैराडे केज, है ना। आज हम कुछ भी नहीं, बस मजे लो, ठीक है, हम कुछ कुछ चीज के बारे में बात कर रहे हैं, केज, ठीक है, ये बन गया। तो फैराडे केज
ये हो गया, लाइटनिंग ऐसे हो रहा है। तो लाइटनिंग होने का क्या रीजन है? पहला बात तो यह समझ में कि ये हवा के मॉलिक्यूल सुधर जा रहे हैं। फिर मेरा सवाल ये भी है कि कब ये होगा, मतलब हर समय कहाँ होता है कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज करते हैं तो ये थोड़ा लाइटनिंग कहाँ करता है? कुछ तो रीजन होगा ना। रीजन है, एक वर्ड होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन ऑफ एयर, ठीक है, हवा का ये जो बन रहा है इसका, इसके टूटने का जो पोटेंशियल है, ये कितना पोटेंशियल यहां पर बनेगा जिस कारण से टूट जाएगा उसी को बताइए। और ये होता है 3×10⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यानी कि पर मीटर में अगर इतना वोल्ट अप्लाई कर दे तो अर्थ हवा का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो लाइटनिंग होगा। बात समझ में आया? बस इतना ही कहानी है, ठीक है, यानी इतना वोल्ट हमारा रीच अगर कर जाएगा तो लाइटनिंग होगा। बात समझ में आ गया? तो अगर इसको इरेज कर देते हैं, क्लाउड का पूरा फिनोमेना समझ में आ गया होगा, ठीक है, लाइटनिंग क्यों होता है, कैसे होता है। हम एक चीज और के बारे में बात कर रहे हैं कि फिर से डायरेक्ट्री ब्रेकडाउन समझ में आ गया। अगर हम बोल दें कि कंडक्टर है और कंडक्टर का ये कोई शार्प एज है, तो शार्प एज पर अगर चार्ज तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो हम ये कह देंगे कि यहां पर पोटेंशियल हमारा जल्दी से यहां पर वो इस जगह पर पहुंच सकता है, इस वैल्यू तक पहुंच सकता है, और जैसे ही इस वैल्यू को पहुंचेगा तैसे यहां से लाइटनिंग जनरेट होगा, है। तो यानी कोई भी चार्ज यहां पर ज्यादा देर तक टिक भी नहीं सकता, बस ले लेना, यहां पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है, यानी कि शार्प एज पर चार्ज होल्ड नहीं हो सकता है। मेरा अब से मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि इस तरह का एक सिस्टम बने, एक कंडक्टर चाहते हैं जिसमें कि चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। पहला थ्योरी यही है, ठीक है, पहली बात हम जिस पे स्टार्ट किए हैं, हम चाहते हैं कि एक चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं किसी भी मेटल कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि हमको अब बेढंगे शेप का कंडक्टर नहीं चाहिए, अगर उसमें थोड़ा सा भी एज वगैरह होगा तो सारा चार्ज उधर की तरफ ही मूव करना चाहेगा और उसके बाद हो जाएगा उसमें लाइटनिंग, वो सारा चार्ज ना हवा में निकल गया, डिफ्यूज कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है, यहां रैपिडली कंप्लीट होगा ये बात, समझ में बात, कोई दिक्कत है? तो चार्ज को रखने का मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं चार्ज को स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करें। क्या चाहे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करें। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें कि हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखते हैं, और ताकि हम उसका कुछ यूज कर सकें, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हम सब चीज, अगर चार्ज रहेगा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेवे करेगा, उसके सामने पोटेंशियल तो रेवे करेगा, तो उसको हम स्टोर करके रखना चाह रहे हैं। कैपेसिटर यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका यूज क्या है कैपेसिटर का? तो सबसे पहला नंबर में मोबाइल में होता है फ्लैश कैमरा, है ना। फ्लैश कैमरा क्या होता है? जब हम कैमरा से फोटो खींचते हैं अंधेरे रात में, खींचे और लाइट चला और बुझ गया, यानी कि एक मोमेंट पर हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे कि हमारा लाइट जो एलईडी है वो ग्लो करे और फिर बंद हो जाए, ठीक है। वो जो फ्लैश जलता है, फ्लैश को जो चार्ज मिलता है सडनली एकदम रैपिडली तुरंत, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि तुरंत, क्योंकि अपने पास चार्ज रखा है बहुत सारा, वो चार्ज उसको सप्लाई कर देता है। पहला चीज समझ में आया, ठीक है। पंखा, पंखा में देखे हुए कंडेंसर रहता है गोल गोल वाला, है ना, 2.5 माइक्रोफेराड वगैरह लिखा रहता है उसमें, क्या लिखा रहता है, 2.5 माइक्रोफेराड लिखा रहता है, पंखा का जो कंडेंसर होता है कुछ इस तरह का रहता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या करता है, पंखा को शुरुआत का धक्का देता है। देखो पंखा को चलने के लिए चाहिए भाई 250 या 220 वोल्ट के आसपास में पंखा चल जाता है आराम से, है ना, 220 मैक्सिमम हम लोग का घर में है। लेकिन अगर मान लो क्या पंखा को चलाना है या पंखा को पहले स्टार्ट करना है, देखो दिक्कत यह है कि पंखा अगर रुका हुआ है स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसको शुरुआत में मोशन में लाने के लिए हमको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और ज्यादा वर्क अगर हम कर दिए, हम करंट ही दे दिया 1000 वोल्ट का, पंखा चालू तो हो जाएगा मगर घूमने लायक रहेगा नहीं, जल जाएगा, है ना, ये बात है। उसको चाहिए 220 वोल्ट ही,
मगर शुरुआत होने के लिए उसको चाहिए 220 से ज्यादा वोल्ट, मान लो कि 1000 वोल्ट चाहिए, वो 1000 वोल्ट मिले, धक्का मारे, पंखा चला, उसके बाद उसको 220 पर ला करके छोड़ दो, वो अपना चलते रहेगा। यानी कि शुरुआत में धक्का देने के लिए जो डिवाइस है वो है हमारा कैपेसिटर। ये इतना ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखा है करंट में, जैसे हम करंट स्विच ऑन करते हैं पंखा को ये बहुत ज्यादा चार्ज दे देता है, सप्लाई करके बैठ जाता है, धक्का दिया बैठ गया, ऐसे पंखा घुमा और उसके बाद घुमाते रहना है करंट जो ऊपर से दे रहा है 220 वोल्ट, बस वो उसे वो घुमाते रहना है, पंखा घूम रहा है तो घुमाते रहने के लिए चाहिए 220 वोल्ट, लेकिन शुरुआत का धक्का देना है कैपेसिटर। समझ में बात यही है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि शुरुआत का शुरुआत करता है, किसी चीज का शुरुआत करता है। सपोज करो कि हम मोबाइल को चार्ज कर सॉरी चालू करना चाहते हैं, ऑफ स्विच ऑफ है, हम उसको चालू करना चाहते हैं, चालू करते वक्त हमको मोबाइल में बहुत ज्यादा पावर सप्लाई करना पड़ता है, तो मोबाइल में भी कैपेसिटर रहता है, टेलीविजन में कैपेसिटर रहता है, हर एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको स्टार्ट करना पड़ता है, अगर ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में लाना पड़ता है, उस समय एक ज्यादा चार्ज सप्लाई करने वाला डिवाइस ही है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करने हमको जा चाहिए, और उसके बाद यह सारा एनर्जी देकर खुद मर जाता है, कुछ नहीं मतलब, फिर बाद में यह चार्ज होता है धीरे धीरे, हम लोग सीखेंगे वो सब चीज भी कि चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, लेकिन एक बात तय हो गया कि ये सप्लाई करता है क्विक, ऐसे जिसको इंपल्स बोलते हैं, याद है मारा जोर का फोर्स बहुत छोटे समय में, तो ये इंपल्स का काम करता है एक तरह से ना, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करता है। हो गया, समझ में आ गया मेरा बात, ठीक है, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं कैपेसिटर एक डिवाइस क्या करता है, ठीक है, डिवाइस के तौर पर इसका काम क्या है। तो कैपेसिटर में अब सवाल ये उठता है कि चार्ज हम स्टोर करेंगे कैसे, तो पहला बात तो ये हो गया कंडक्टर कैसा शेप का होना चाहिए, उसमें कोई एज नहीं होना चाहिए कहीं से, मतलब है ना इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, तो यानी कहीं ना कहीं हमको एक यूनिफॉर्म शेप का ही एक बॉडी हमको चाहिए। तो हमने पहला लिया एक स्फेयर, स्फेरिकल कंडक्टर लिया, क्या लिया हम, क्या लिए हम यहां पर, स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम क्या किए है ना, इस कंडक्टर को हम जमीन से इंसुलेट करवा दिए, बांध दिए, रोक दिए है ना, ये इंसुलेटर से कनेक्ट करते हैं, ये इंसुलेटर है यहां पर, ठीक है, और ये कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है। अजीब चीज तुम लोग कहोगे भाई सेल भी तो पोटेंशियल करता है, लेकिन हाँ सेल जो बैटरी होता है, बैटरी को जो हम लोग कैपेसिटर को दिखाते हैं हम लोग ऐसे, देखना ध्यान से, कैपेसिटर को दो डंडा से दिखाते हैं, ये सिंबल होगा कैपेसिटर का, और सेल का ऐसे होता है एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो यहाँ पर हम बोल रहे हैं बैटरी में 20 वोल्ट का ये बैटरी सेल, ध्यान सुनना मेरी बात को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे, अब इससे यहां से क्लास में जितनी बातें होंगी वो सेल को के ऊपर ही होगी, थोड़ा ध्यान समझना। सेल अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर 20 वोल्ट लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये एच है और ये एल है, मतलब हम कह रहे हैं ये हायर पोटेंशियल पर प्लेट है और ये लोअर पोटेंशियल पर प्लेट है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस 20 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल जो भी है उस दोनों के बीच में डिफरेंस 20 वोल्ट है, इसका मतलब क्लियर हो गया, ये डिफरेंस है, 20 वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 20 वोल्ट, इसका मतलब यह होगा कि यहां पर का पोटेंशियल जो वी हायर है माइनस वी लोअर दोनों घटा देंगे तुमको मिलेगा 20 वोल्ट, आगे समझ में, वी हायर माइनस वी लोअर यानी बड़ा में छोटा घटा दोगे तो 20 मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि इससे यह 20 वोल्ट ज्यादा पर है, हम बस दिमाग भर रहे हैं, ठीक है ना बात को, इससे ये 20 वोल्ट कम है, ठीक है बात। अगर हम कह दें, मान लेते हैं अगर हम कह दें कि यहां पर ये मेरा 10 वोल्ट पर है, तो इससे यहां से यहां तक 10 वोल्ट पर हो जाएगा क्योंकि पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है हर जगह पे, अगर ये 10 वोल्ट पर है तो ये भी 10 वोल्ट पर होगा, ये भी 10 वोल्ट पर होगा, तो इससे ये 20 वोल्ट ज्यादा होगा, यहां पर 30 वोल्ट पहुंचेगा, ये 30 वोल्ट होगा, ये भी 30 वोल्ट होगा, ये हो जाएगा 30 वोल्ट, एकदम सिंपल है ना। अगर ये 10 वोल्ट है ये पूरा 10 वोल्ट हो जाएगा, उससे ये कह रहा है 20 वोल्ट ज्यादा, ये हो जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे रैंडमली, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं पोटेंशियल
एक रेफरेंस बेस्ड, वो रेफरेंस होता है। हमने मान लिया कि ये मेरा पॉइंट का पोटेंशियल 10 है, तुम्हारी मर्जी, तुम मान लो 100 है, अगर है ना, चलो ये ऐसे नहीं करते, दूसरा पिक्चर में सोचना इसको, अगर हम इस सेल को ऐसे कर दिए, ये हम कर दिए 100 वोल्ट, कोरोना, तो ये अगर 100 वोल्ट है, रुको जी, अभी 10 मिनट तक पढ़ा भी दिए, पानी भी पी लिए, वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, फिर से देखो क्या क्या बता रहे थे। चलो ठीक है, ध्यान सुनो, बैटरी तोड़ रहे थे नहीं जी, हाँ चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं ध्यान से, ठीक है फिर से। तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, अरे अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं 20 वोल्ट था ना, हाँ ठीक है, ये 20 वोल्ट था, तो हम जानते हैं ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो मान लेते हैं कि लोअर वाले का वोल्टेज 10 वोल्ट अगर है, इससे ये 20 ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, 20 ज्यादा यानी कि 30 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा रेफरेंस होता है ना, तो हमने इसको रेफरेंस बना के बोल दिया कि 10 वोल्ट है, तो इससे ये 30 ज्यादा, डिफरेंस अभी भी 20 है, ठीक है। अगर हम बोल दें कुछ इस तरह से करके, ये हमारा है 100 वोल्ट, ये हो गया 20 वोल्ट, तो इससे ये अगर 100 वोल्ट है तो पूरा 100 वोल्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा इससे ये 20 ज्यादा है ना, कितना हो जाएगा 20 ज्यादा, ये कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। इजी है, बैटरी को देखने का तरीका देखो बदल दिए, ठीक है, और ऐसे ही कर ऐसे आगे बढ़ना है। ये बैटरी है हमारा, यहां पर 20 वोल्ट था, मान लेते हैं कि इस बार ये हमारा 0 वोल्ट पर है, ये अगर 0 वोल्ट पर है तो ये बता दो कितना हो जाएगा, इससे ये 20 ज्यादा, यानी कि हो जाएगा 20 वोल्ट। बैठे दिमाग में, अगर हम कह रहे हैं कि ये बैटरी है हमारा, इसी बैटरी को सब कॉपी करना है एकदम एक एक करके, ठीक है, अगर हम ये बैटरी को, क्योंकि आगे से सारा सारा कहानी अब इसी के हिसाब से चलते रहेगा, ठीक है, अगर हम बोल दें ये वाला मेरा 0 वोल्ट पर है, बड़ा वाला ही 0 वोल्ट है, हम अब ऐसे सोचेंगे, इससे 20 कम है ना, 20 कम, तो 20 कम 0 से 20 कम क्या हो जाएगा, माइनस में 20, आए समझ में नहीं। अगर हम कर दें ऐसे सेल है, ये 20 वोल्ट है, हम इसको कर देते हैं माइनस में 20 वोल्ट है ना, तो ये वाला प्लेट पूरा का पूरा माइनस 20, उससे 20 कम यानी हो जाएगा माइनस 40 वोल्ट। अब ठीक है, यानी हर समय डिफरेंस मेरा 20 वोल्ट रहना चाहिए, कोई दिक्कत समझ में आ गया, बात छाप लो पहले इसको, बाद में बताते ना कंडक्टर के बारे में जो भी बना रहे थे, ठीक है, छापो जल्दी से, छाप लिए, 1 2 3, हाय गर्मी 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 गर्मी, कैसा हो गया, क्या खटारा का गाना है सर, चलो ठीक है इरेज करते हैं। सही में बहुत तबाही है रे बाबा रे, ठीक है तुम लोगों का फर्क पड़ता है, कुछ नहीं ठीक, ऐसा बात नहीं है सर, ये कंडक्टर है सर, इसका रेडियस है आर सर, ठीक है, और इसको हमने इंसुलेट करके जमीन से रखा हुआ था, अब हम कह रहे हैं इसका बैटरी हम लगा दिए 20 वोल्ट का, सॉरी 10 वोल्ट लगाए थे, ठीक है, तुम लोग को इतना बात तो पता होगा, यो सब उड़ गया है जी, पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ, चलो ठीक है, शुरुआत से बता रहे हैं, ये 10 वोल्ट का है और ये हमने अभी इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब फिर सुनना मेरी बात को, जैसे ही हम अर्थ करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल क्या सीखे हैं, 0 होता है क्या, अगर ये 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के इन पूरे हिस्से का पोटेंशियल 0 होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, अगर ये 0 है तो उससे 10 ज्यादा होगा यानी कि 10 वोल्ट होगा, अभी बताए समझ में आ चुका है बात, अगर ये 10 वोल्ट होगा तो यहां का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा, इसका हो जाएगा पोटेंशियल 10 वोल्ट, हो जाएगा ना, अब 10 वोल्ट हो चुका है, पहले नहीं था, यानी कि अगर इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल आया है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर चार्ज भी तो आया होगा, हम कह देते हैं इस पे चार्ज आ चुका है प्लस की, अब ये कैसे आया, अपने आप कैसे आया हुआ चार्ज, तो क्या किया है, बैटरी खुरापाती किया है अंदर में, तो बैटरी ने क्या किया उसको ध्यान समझना,
बैटरी ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि न्यूट्रल था बॉडी, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन तो है ही ना इसके पास, कंडक्टर भी है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये निकाल करके इसमें से जमीन में भेज दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन को ये निकाल करके जमीन में भेजा, तब तक भेजते रहा जब तक कि इसके ऊपर चार्ज क्यू नहीं आ जाए। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां से हम कह सकते कि वोल्टेज जो है आ गया है हमारे पास के क्यू अपॉन आर हो चुका है। अब साफ दिख रहा है यहां से एक बात कि देखो यानी हमसे क्यू अपॉन वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी का वैल्यू आर अपॉन के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यू अपॉन वी का वैल्यू आर अपॉन के हो गया, जो कि कॉन्स्टेंट है, क्योंकि भाई रेडियस तो फिक्स है और के भी कॉन्स्टेंट है, और इसी कॉन्स्टेंट को हम कह रहे हैं यहां पर कैपेसिटेंस, ठीक है, सी। तो C इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन वी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो Q बराबर हो गया सी वी, ठीक है, समझ में आ चुका है बात। तो यहां से बता सकते हो C का वैल्यू क्या मिलेगा, R तक तो ठीक ठाक है, K का वैल्यू क्या लिख सकते हो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, देखो यहां पसीना पहुंच गया, ठीक 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 ऐसे लीजिएगा सर, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हो जाएगा क्या जी, ठीक है, यानी कि किसका मिला कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इसका, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस है क्या, एक स्टोरेज डिवाइस है, क्या है ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि स्टोर कर रहा है चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल को, ये सब स्टोर करता है ये, ठीक है, समझा बात। इट इज अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, विच स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत है, या ऐसे स्टोर करता है, कोई दिक्कत। और इसका यूनिट लिख रहे ना बगल में, यूनिट हो जाता है इसका फराड, क्या होता है फराड, तो एक फराड बराबर क्या हो जाएगा, एक फराड बराबर सी बराबर क्यू बाई वी, यानी कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। फराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम लोग माइक्रो फराड का यूज करते हैं, उसके बाद में बात कर लेंगे, अभी हमको इंटरेस्ट है इसपे, मेरा इंटरेस्ट इसी पर है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रेडियस का वैल्यू लेते हैं 1 मीटर, 1 मीटर तबड़ का स्फीयर, देखना चाहते हैं इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आता है, तो C बराबर है ना, तो पर यहां तक छाप लो, पहले जल्दी जल्दी छापो, छापते जाओ छापते जाओ, कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल, ये सब को स्टोर करके रखेगा, ठीक है, यही है कैपेसिटर। इसका यूज क्या करते हैं, आई थिंक बता दिए हैं कि पता नहीं क्या कटा नहीं कटा, चलो ठीक है, यूज पे बात कर लेंगे बाद में, ठीक है, सपोज से। तो अभी क्या देखें हम कि एक कंडक्टर था, इसका कुछ रेडियस आर था, और इस कारण से जो कैपेसिटेंस मिला था वो था हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है, ये था कैपेसिटेंस, यानी किसकी कैपेसिटी कितना ये चार्ज रख सकता है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज क्यों लाए थे, इसका उसका पोटेंशियल कुछ भी जनरेट हो गया होगा। अब एक बात बताओ, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का करना चाहिए कि नहीं निकालेगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा बताओ, सीधा इन्फिनिटी, कोई दूसरा है भी नहीं, इन्फिनिटी जाएगा, है ना। मान लेते हैं रेडियस का वैल्यू आर का वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं, तो बताओ कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 × 1 मिलेगा, 4 पाई तक तो ठीक है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या लिखोगे, 8.85 × 10−12 लिखोगे, सॉल्व करोगे देखो इस पे जो भी आएगा −12 आ रहा है, यानी कि बहुत ही खराब कैपेसिटी आ रहा है इसकी, है ना, जो कंडक्टर आया है इस कंडक्टर का कैपेसिटी बहुत खराब है, ठीक है, घटिया है कैपेसिटी, हम अच्छा कैपेसिटर नहीं मानते, हमको बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करना है, इस पे नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि 200 माइनस में इतना फराड़ आ जाएगा, कोई फायदा तो हुआ नहीं, ठीक है।
इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी रेट्री फील्ड को इन्फिनिटी के बजाय किसी छोटे से रीजन में कन्फाइन करना पड़ेगा। जितना छोटा रीजन करेंगे उतना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैसे करेंगे, ये तो कमाल है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पहले चिपका लो यहाँ तक छाप लो से। ठीक है, और इसलिए ही इसीलिए हमको डिफरेंट ये कारण था कि एक कंडक्टर पे चार्ज तो रह ही सकते थे, लेकिन कंडक्टर में हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको कंडक्टर बनाने पड़े। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सीधे बस में है, और दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जो कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देख रहे कि हो गए पंखा वंखा में रहता है, पंखा को शुरुआत का धक्का देता है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करके शुरुआत का धक्का देकर के पंखा को घुमा देता है। जो 220 वोल्ट का पंखा चलता है वो शुरुआत में पंखा चला घुमा भी नहीं सकता, तो शुरुआत का धक्का देने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। 220 वोल्ट सिर्फ इसलिए है कि वो उसको घुमाते रहेगा। ठीक है, मोबाइल को अगर ये सब बात हम पहले बोल चुके हैं तो हमको माफ कर दो, नहीं बोले हैं तो सुनते जाओ। मोबाइल को अगर चालू करना है शुरुआत में स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ से ऑन स्टेट में भेजना है, तो ऑन स्टेट भेजने के लिए हमको कहीं ना कहीं मोबाइल को काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। उतना एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, तीसरा चीज़ हो गया हमारे पास मोबाइल का फ्लैश। ठीक है, या फिर फोटोग्राफिक कैमरा का फ्लैश, बहुत ज़्यादा जो फ्लैश मारते हैं सड़ाक से तुरंत हिला दिया। ठीक है, वो फ्लैश चाहिए, फ्लैश के लिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी सप्लाई करता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर कुछ नहीं करता, बस इंपल्स पैदा करता है, एक तरह से इंपल्स है ना, चार्ज का इंपल्स पैदा के तुरंत क्विक एक्शन में हमको जैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो हमारा कैपेसिटर सप्लाई करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो यही सब काम कर रहा है, यानी कि शुरुआत करने का काम, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चालू करना है, टीवी चालू करना है, फ्रिज चालू करना है, ये सब के लिए हमको कैपेसिटर चाहिए। मशीन चालू करना है, मोटर चालू करना है, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी उस समय लगता है, और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही दे सकता है, और वो एनर्जी दे करके ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, ताकि उसको बाद में जो जो अल्टरनेटिव सोर्स है जिसके कारण से उसको चलाते रहना है वो सफिशियंट होता है, सिर्फ उसको चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सफिशियंट सोर्स नहीं है हमारा करंट। तेज बोल दिए, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अगले टॉपिक में अगले वीडियो में पूरा भी बात करेंगे इस पर। यहां तक समझ में आया, कॉपी कर लो पहले इसको। एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं आज, कमाल का डिवाइस है ये, वेंडी ग्राफ जनरेटर, है ना। कैपेसिटर का आज छोटा सा बस इंट्रोडक्शन था और कुछ था नहीं, हम एक चीज वेंडी ग्राफ जनरेटर को दिखाते तुम लोगों ने कमाल का चीज क्या है। ठीक है, तो यही है वेंडी ग्राफ जनरेटर में एक रहता है बाहर से, है ना, एक कंडक्टर रहता है, ठीक है, एक इस तरह का, ठीक है, और बीच में एक और छोटा सा कंडक्टर रहता है। ठीक है, कंडक्टिंग इस तरह से, और यहां से एक बेल्ट चलता है इस तरह से, है ना, रबड़ का बेल्ट रहता है। ठीक है, यहां पर खाली है ऐसे, ये यहां तक आया, यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे, इज इट ओके। इसका रेडियस मान लेते हैं ए है, और इसका रेडियस मान लेते हैं बी है, और ये नीचे से इस तरह से फिर से एक यहां से मोटर से कनेक्ट होता है, और यहां पर एक मेटल का ब्रश होता है ऐसे, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, और यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट होता है, फिर ये अर्थ से जाकर भी कनेक्ट हो जाता है, बैटरी का वोल्टेज है भी, और ये घूम रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बैटरी का वोल्टेज है भी, ये क्या चाहेगा भाई, ये जीरो वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज भी करेगा, भी करने के लिए यहाँ पर का वोल्टेज होगा भी, यानी कि इस पूरे पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनते रहना मेरी बात को, और ये कनेक्टेड नहीं है, इससे सटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो हवा का मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये ब्रश है, ब्रश में बहुत सारे दांत हैं, दांत है तो उसमें देखो ब्रश कुछ इस तरह का है, इस तरह का ब्रश है, मेटालिक ब्रश। ठीक है, तो सारा का सारा जो चार्ज होगा वो इसके इस टिप पर आ जाएगा, और जितना छोटा शार्प टिप होगा, हम बोल चुके हैं सारा चार्ज अगर वहीं आएगा तो तुरंत यहां पर डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर लेगा हवा, और हवा का जो डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होगा माइनस और प्लस के चक्कर में, दिखा है ना, ऐसे यहां पर बहुत सारा माइनस प्लस बनेगा, प्लस उधर भागेगा, प्लस इधर भागेगा, और माइनस इस पर चलते जाएगा। ठीक है, माइनस इस पे खींचा जाएगा, तुरंत टूटेगा, और इसका वोल्टेज तुरंत 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाएगा,
तभी नहीं होगा, ऐसे तो होने वाला नहीं। अगर हम लिखें यहाँ पर पोटेंशियल एट, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो हमको बता सकते हो पोटेंशियल एट ए क्या लिखोगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखोगे? अगर हम मान ले कि इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज लेके आया और इस पे क्यू चार्ज है, ठीक है, तो हमको बता सकते हो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन, यहाँ का पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए, ये लिखते थे याद है ड्यू टू ए लिखते थे फिर ड्यू टू बी लिखते थे, ऐसा लिखते थे। तो यहां पर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पर चार्ज है, इसके लिए आगे फिर के क्यू अपॉन, के क्यू अपॉन ए हो जाएगा, इसका चार्ज है के क्यू अपॉन ए यहां पर का, है ना। अब देखो इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वही इस कंडक्टर के अंदर में हर जगह पोटेंशियल होता है, यहां पर पोटेंशियल इसके कारण के क्यू अपॉन बी हो जाएगा, है ना, प्लस में हो जाएगा k q अपॉन b। और vb के बारे में बात करते हैं, अब यहां पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो इसके कारण भी लिखेंगे और इसके कारण भी लिखेंगे, इसके कारण यहां से लेकर डिस्टेंस b हो जाएगा, चार्ज तो यही रहेगा लेकिन इस स्फीयर के बाहर में ये पॉइंट हो रहा है, इसी तरह को ऐसे बनना नहीं ये पिक्चर, ये डिस्टेंस हो गया b और इस पर हो गया चार्ज q, यहां पर हमारा b, यहां पर पोटेंशियल से क्या, इसके कारण क्या लिखेंगे, यहां पर पोटेंशियल k q अपॉन दैट मच ऑफ डिस्टेंस, है ना, तो k इसका चार्ज q और ये हो गया b, और B वाले के कारण अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर ही चार्ज है Q, तो प्लस में उसका है K Q upon B, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम VA माइनस में VB लिखें तो क्या लिखाएगा, VA माइनस VB, ये सब हम लोग सीख चुके हैं पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, साफ दिख रहा है K Q upon A माइनस में K Q upon B आ रहा है, वाले की बात नहीं समझ में, और यहां से हम लिख सकते K Q upon A है, K Q कॉमन आ गया, 1 अपॉन ए माइनस में 1 अपॉन बी आ रहा है। अब एक बात बताओ, ए तो छोटा है ना, ए छोटा है, हमको पता है ए छोटा है बी से, ध्यान सुनना है मेरी बात, ये हमारा वेन डायग्राम जनरेटर पूरा कॉन्सेप्ट, ए छोटा है और बी बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है ये पूरा का पूरा बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, इसका मतलब है, ध्यान सुनना मेरी बात को, डिनोमिनेटर मेरा छोटा है तो छोटे चीज से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा ना, ये छोटा हो जाएगा, तो बड़ा में छोटा घटेगा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि भी ये तब बड़ा है भी से, है ना, इसका मतलब ये ना कि बड़ा में छोटा घटा होगा तभी ना कोई पॉजिटिव नंबर मिला होगा, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि भी ये बड़ा है भी से, भी ये बड़ा है भी से, ये निकालें जी, भी ये माइनस भी बराबर के क्यू अपॉन ए के क्यू अपॉन बी, और ए हमारा छोटा है और बी हमारा बड़ा है, तो हमको पता है कि VA हमारा यहां का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहां का पोटेंशियल कम हो गया। अब एक बात बताओ, चार्ज किधर से किधर फ्लो करता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो चार्ज यहां पर हाई पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज यहां से हम घुमाते जा रहे हैं तो चार्ज यहां आ रहा है, वो चार्ज यहां है, वो चार्ज यहां पर सप्लाई होते रहेगा होते रहेगा, और ये चार्ज कंटिन्यू यहां से मूव करते रह जाएगा, ठीक है, तब तक करते रहेगा जब तक ये पोटेंशियल रीच नहीं कर जाए, और जब ये पोटेंशियल रीच करने लगेगा उसके पहले ही आ जाएगा 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, और इस कारण से यहां पर हो जाएगा लाइटनिंग स्टार्ट, ठीक है, इससे चारों तरफ से लाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है, और इसी सिस्टम को कहते हैं वेन डायग्राफ जनरेटर, कोई दिक्कत है, और अगर हम किसी एक जनरल वोल्टेज के ऊपर बात करें, पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, जल्दी कॉपी करो, मोबाइल हो जाता है बंद, इतनी गर्मी है रूम में, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सको, पता है 3 घंटा से हम शूट कर रहे हैं और आई थिंक पता नहीं 45 मिनट का भी कंटेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, पता नहीं, ठीक है, कैसे होगा, फैन ऑन करेंगे तो आवाज इतना आया कि कुछ नहीं चलेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा मेरा आवाज लोगों को, ऐसे जल रहा है जिंदगी। कॉपी कर लिया, ओके, तो हम अभी क्या सीखे कि हमारे पास एक वेंडी ग्राफ जनरेटर था, भिंडी ग्राफ जनरेटर नहीं है रे, वांडी ग्राफ जनरेटर, रॉबर्ट वांडी ग्राफ ने ये ढूंढा था, कमाल का डिवाइस था, तो हम समझ चुके कि इससे चार्ज आ चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है, और अगर हम किसी जनरल पोटेंशियल पे हम एक काम करते हैं, यहां पर एक सिंपल सा कंडक्टर ला दिए, क्या ला दिया, एक कंडक्टिंग स्फीयर ला के जरूरत दी, कंडक्टिंग
स्फीयर ला दिया, अब क्या होगा? यह पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसके निगेटिव चार्ज को इधर की तरफ लेकर के इंड्यूस करवाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या लगा, क्यू इंड्यूस, आई इंड्यूस करेगा, और ये निगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, इसके बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ लेके आएगा, इधर की तरफ एक्यूमुलेशन चार्ज का खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर इधर की तरफ एक्यूमुलेशन खूब ज्यादा बढ़ जाएगा इधर की पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये वहां का जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर जो भी इंड्यूस करेगा वो ग्रेटर अगर हो गया 10^6 वोल्ट पर मीटर के, तो यहीं से लाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगा इधर की तरफ, है ना, यहां से एकदम सड़ास होते हुए, है ना। बस यही है पूरा का पूरा यूज, कमाल लगता है देखने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डिमोन्स्ट्रेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है ये, है ना। अगर कमाल एक चीज, कभी कभी म्यूजियम वगैरह में तुम देखोगे कि एक ऐसा डिवाइस होता है, इसको छूता है लोग, है ना, इसको छुएगा तो उसका बाल जो होता है ना, मेरा तो बाल इतना बड़ा है, ठीक है, तो जैसे लड़की लोग होते हैं ना, गर्ल्स के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके बाल एकदम पूरे खड़े हो जाते चारों तरफ, क्योंकि उसके ऊपर ये पोटेंशियल आने का, मैं ऐसे छू दिए तो मैं इसका सारा पॉजिटिव मेरे में आ गया, और पॉजिटिव चार्ज मेरे में आया तो पूरा का पूरा जो बाल है इस पर चार्ज चला जाएगा यहाँ पर, और बाल का हर एक सिरा एक दूसरे से जाएगा, रिपेयर हो जाए, एकदम पूरा पूरा बाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और देखने में बहुत फनी होता है, लोग सेल्फी लेते हैं ना, उसका फोटो खींच खींच करके ऐसा करते हैं, ठीक है, यही है पार्टी आप जनरेटर कॉपी कर लो, और इनफ है आज का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा पढ़ लेना कैपेसिटर वगैरह का। अच्छा एक चीज तुम लोग से बोलना था कि जो सीरीज पैरेलल वाले कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल देख लो यही होता है ना, इसको बोलते हैं सीरीज पैरेलल, जैसे रेसिस्टेंस का काम करते हैं, थोड़ा तुम लोग अपना काम कर लेना अपना ही, ये इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल वाले में यहाँ पर सी इक्विवेलेंट जो होता है वो जाता है सी1 प्लस में सी2, जैसे रेसिस्टेंस होता है ना 1/R1 1/R2 वो यहाँ नहीं होता, थोड़ा उल्टा हो जाता है, और सीरीज वाले में लिखते हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा अपने से भी कुछ कुछ करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/C=1/C1/C2, ठीक है, ये यूज कर लेंगे। फिर इसका वोल्टेज अभी तुम बता चुके हैं, क्या बताया, Q=CV, तो पूछेगा भाई इसका चार्ज क्या होगा, वैसे कैपेसिटेंस पता है वोल्टेज पता है तो मल्टीप्लाई करके चार्ज वोल्टेज होगा ये निकाल लो, जैसे 10th में रेसिस्टेंस का काम कर देते, थोड़ा काम करो, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो हम तो करवाएंगे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर वगैरह देखेंगे और बहुत चीज़ों को सीखेंगे, है ना। कॉपी कर लो जो भी था, मिलते हैं भाई, ठीक है, बहुत गर्मी है जी, कुछ नहीं कर सकते अभी।